this program to bring you a special report. Hello everyone, welcome to AG Reviews. Oh bhai, oh bhai, oh bhai, oh bhai, oh bhai, oh bhai. Aaj ki ab yaar, let's just move on and let's just jump right into it. Dekho, aaj jo matches the na, sabse pehle hamare French Bonjour boys ne aaj jo haga hai. मतलब चलो ठीक है, वी ऑल न्यू के वो दे आर प्रोसीडिंग अहेड, वो जा रहे हैं आगे, लेकिन दैट कुड नॉट बी द साइन ऑफ कंफर्ट बिकॉज द टूर्नामेंट इज नॉट ओवर येट. और सलेबा का एक शर्ट सीन है, मैंने देखा सलेबा जब खेलता है फ्रांस में, ऑल दो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर इन आर्सेनल एंड ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर आर्सेनल, बट व्हेन वी सी हिम इन फ्रांस वी डू नॉट सी हिम रेप्लिकेटिंग द सेम एटीट्यूड एंड द सेम परफॉर्मेंस लेवल. तो सलेबा खेला, फ्रांस ने अपनी बी टीम खिलाई, बट देन दे पुट ऑन एम्बापे, ग्रीज़मान एंड एवरीवन, दे वर ट्राइंग टू गेट द रिजल्ट्स, बट ट्यूनिशिया हैड अ शॉकर, ट्यूनिशिया ने उनको हराया. तो फ्रांस की एक जो वर्ल्ड कप की विनिंग स्ट्रीक थी वो टूटी और वो भी एक अफ्रीकन टीम ने उनको हराया. सो यू नो दैट इज सम अचीवमेंट, क्योंकि नोबडी सॉ ट्यूनिशिया बीटिंग फ्रांस. और फ्रांस हारी तो सही, लेकिन जो मैच आ रहा था ना, ट्यूनिशिया या ऑस्ट्रेलिया में से कोई आ गया है, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि डेनमार्क इज अ मोर कॉम्पैक्ट टीम और यू नो वो हमें फंस सकती है, लेकिन आई कुड सी देम गोइंग अहेड. मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक दे वर गोइंग अहेड, बट नहीं. ये अर्जेंटीना के जो टेंशन अभी मैंने बर्दाश्त किया ना, अभी ये मैच 90 मिनट बैठ के, मैंने 100 मिनट बैठे, पता नहीं कितनी देर का मैच था, गुजर के नहीं दे रहे थे आखिरी के 6-7 मिनट यार. बट हाँ, फ्रांस लॉस्ट बट दे क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड दैट्स एन अचीवमेंट. ऑजी ऑजी ओए ओए, ऑजी ऑजी ओए ओए. और रात को 4 बजे फेडरेशन स्क्वायर में पार्टी, हु नोस के ऑस्ट्रेलिया में रात को 4 बजे की पार्टी होती है, वो फेडरेशन स्क्वायर मिड वीक. मतलब वर्ल्ड कप का जुनून तो है, देखो वर्ल्ड कप का जो एक ऑरा है ना, और वर्ल्ड कप की एक अट्रैक्शन है, इट गेट्स टू एवरीवन. खैर मूविंग अहेड, फिर हमारे पास गेम आया अर्जेंटीना का और सऊदी अरब और मेक्सिको का. अब अर्जेंटीना के गेम में, अच्छा पोलैंड, आई थॉट कि उनके पास जो क्वालिटी है दे वुड बी हार्डर देन मेक्सिको, बट पोलैंड वॉज इजियर देन मेक्सिको. अर्जेंटीना हैड देम बाय द नेक थ्रू आउट द गेम, मतलब इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो मैं देख रहा हूँ कि अर्जेंटीना ने इस बार गेम को रिदम और गेम को कंट्रोल करके खेलने की कोशिश की है, एंड दे वर मोर फोकस्ड ऑन द रिदम ऑफ द गेम देन जस्ट स्कोरिंग गोल्स. दे हैड हंगर एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू फिनिश द गेम विद द क्लीन शीट. और दे Emiliano Martinez didn't had the had a very busy night, क्योंकि वो इतना पोलैंड सेटबैक करके खेल रही थी, they were sitting behind the ball. But Scaloni, what is wrong with Scaloni यार, what is Scaloni doing? बैंचो तुम्हारा बेस्ट प्लेयर Lisandro Martinez, you just took him off. पिछले गेम में he played a really good game, he was a ball playing center back, played crucial passes और you know build up play में उसके important passes थे, and then he took him off. And अचूना पैच व्हाटएवर हिज नेम इज, वो बोसडी का लेफ्ट बैक पे आज मुझे जॉर्डी एल्बा उससे अच्छा लग रहा था. आई वाज मिसिंग जॉर्डी एल्बा. मेसी के एक लीथल किलर पास जो के प्री असिस्ट हो सकते थे, वो पासेस उसने जाया किए. आई एम अफ्रेड यार, क्योंकि देखो सेकंड फिनिश करते तो फ्रांस मिलती, और फट रही थी फ्रांस को देख के, और एंड आई वांटेड देम टू फिनिश एट द टॉप, मैं उनको ग्रुप टॉप करता हुआ देखना चाहता था, लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि यार देयर इज नो स्केपिंग फ्रांस, और फ्रांस से मेरी गांड फट रही है, क्योंकि फ्रांस देखो पोलैंड के विंग बैक्स ने हमें इतना तंग नहीं किया, पोलैंड के विंग बैक्स हमारे विंग बैक्स को इतना टफ टाइम नहीं, पोलैंड के विंग बैक्स हमें इतना ज्यादा जो है ना कंपटीशन नहीं दे रहे थे, पोलैंड के विंग बैक्स हमारे लिए हमें इतना फाइट नहीं कर रहे थे, और हमें इतना टफ टाइम नहीं दे रहे थे, इतना पुश नहीं कर रहे थे अर्जेंटीना के विंग बैक्स को. बट इफ वी गो टू द फ्रांस, बिकॉज फ्रांस इज इनेविटेबल, वी आर फेसिंग फ्रांस एनीवे, मतलब अगर हम ऑस्ट्रेलिया से जीतते हैं तो हमें फ्रांसी को फेस करना पड़ेगा. लेकिन Scaloni को ये चीज समझनी चाहिए कि ही नीड्स टू हैव, जो उनका प्लेइंग स्टाइल है ठीक है, दे आर ट्राइंग टू मेक ट्राइंगल्स. रोड्रिगो दी पॉल मेसी की आड़ में घूमता रहता है, मेसी को देखता रहता है, हमेशा उसके साथ एक थर्ड ऑप्शन, एक एक्स्ट्रा मैन का ऑप्शन बन के रहता है, जस्ट लाइक वी सॉ लुकस पकेटा फॉर नेमार, लाइक लुकस पकेटा और नेमार का जो हमने ड्यूओ देखा, सेम गोज विद रोड्रिगो दी पॉल एंड मेसी. और ऐसे टाइम में आपको एक कंपोज्ड और एक कंट्रोल करने वाला सेंटर बैक चाहिए, एंड दैट इज इन अ शेप ऑफ Lisandro Martinez. बट अगर Scaloni उसको नहीं खिलाएगा तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि ओटामेंडी इज नॉट रिलायबल ठीक है. वो आज भी उसने लास्ट मैन टैकल किया ठीक है, बट उसकी नौबत पड़ी, वो डिफेंसिवली इतना कंट्रोलिंग नहीं है,
और स्कलोनी ने फिर उसके बाद अचूना को, मुझे नहीं लगता वो इतना वाइड खिला रहा, उसको इतना वाइड खिलाना चाहिए, उसकी फिजिकलिटी है बट इतना पेस नहीं है, तो ही शुड यूज हिम इनसाइड। बाय एनीवे अर्जेंटीना वीवा अर्जेंटीना वीवा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना इज गोइंग अहेड एंड यू नो क्रेजी सीन्स, अर्जेंटीना को जाना चाहिए था, वेल डिजर्विंग था, बट अब मेरे दिल को ऐसे धक धक हो रहा है क्योंकि अगर अर्जेंटीना आगे जाती है जो कि वो जा रहे हैं, बट दे आर फेसिंग फ्रांस आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, तो ये एक सिचुएशन है। देखो पहले मैं खुश हो रहा था कि चलो अर्जेंटीना को फ्रांस नहीं मिलेगी, बट देन यू नो दे आर इनेविटेबल, हम जिसको भी हराएंगे लैडर में आगे फ्रांस है, तो बट इट वॉज अ गुड गेम। आज अर्जेंटीना ने हंगर दिखाई, अर्जेंटीना ने वो एलिमेंट्स दिखाई गेम के अंदर जो हमने कोपा अमेरिका में देखे, और मेसी ने भैंचोद मेसी ने पेनल्टी मिस की, और वो पेनल्टी मेरा लैंड पेनल्टी थी यार, I don't know what the fuck is wrong with these World Cup refs यार, मैं जो माइक डीन बोल रहा है उस जैसा कॉन्ट्रोवर्शियल रेफ बोल रहा है, और इतने लोग देखो, देर वॉज नो अदर वे, वॉज अ 50-50 बॉल, ठीक है। ये सेम गोज वो जो हैंड बॉल लिवरपूल और टॉटनम के चैंपियंस लीग फाइनल में हुई थी, वो कितने गेम में हमने देखा कि हैंड था, बॉल लगी हाथ को, लेकिन इट वॉज विद द बॉडी, इट वॉज अनइंटेंशनल एंड द प्लेयर एक्चुअली वॉज नॉट लुकिंग एट द बॉल, तो वो डिफरेंसेस हैं। अब रेफ ने वो, मैं तो नहीं चाहता, हराम की पेनल्टी थी इसलिए नहीं मारी मैसी ने, टू बी ऑनेस्ट, सीधी बात है, क्योंकि वो पेनल्टी थी नहीं, कीपर वॉज टोटली फोकस्ड ऑन द बॉल, एयर बॉल थी, सेंटर बैक भी बीच में था, मैसी भी बीच में था, और फिर उसके साथ शिजनी ने जंप किया, ठीक है, और इतना कोई हार्ड कॉन्टैक्ट भी नहीं था, देर वॉज नो अदर वे, कॉन्टैक्ट वॉज इनेविटेबल, एंड फुटबॉल इन स्पोर्ट्स इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, तो आप कैसे उस चीज को छोड़ सकते हो। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था के वो पेनल्टी हो, पर हुई, और शिजनी ने चौड़े कराए, शिजनी कर रहा है, यूं कर रहा है, बोल रहा है बॉयज आई हैव गॉट दिस, टेंशन नहीं लो, मैं सेव करूंगा, और उसने सेव की। वर्ल्ड कप में अभी तक आई गेस 18-19 के पता नहीं 20 सेव वो कर चुका है तीन गेमों में, जिसमें दो पेनल्टी भी उसने सेव की है, तो शिजनी हैड अ वंडरफुल टूर्नामेंट, मेरी नजर में बहुत क्लास का टूर्नामेंट हुआ उसका, और बहुत क्लास की गेम खेली उसने। ही वॉज लाइक द मेन मैन फॉर पोलैंड, क्योंकि अटैकिंग पोटेंसी और अटैकिंग हमने उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं देखी, पर डिफेंसिवली देवर कॉम्पैक्ट, तो दैट वॉज अनदर थिंग। पेनल्टी वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल, रोनाल्डो वाली की भी मैं फेवर में नहीं था, क्योंकि वो भी वो जो पोर्चुगल के अगेंस्ट हुई वो गिर रहा था, उसकी गांड के नीचे बॉल थी, वो पीछे देख भी नहीं रहा था, भूसड़ी वाले रेफ ने आगे पेनल्टी दे दी, सो दिस वॉज नेवर अ पेनल्टी, वो भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, और मैसी ने मिस की, और चलो ठीक है, हराम का गोल मार भी लेता तो आगे कहीं फंस जाता, तो हमें ये तसल्ली है कि कोई हराम का गोल स्कोर नहीं किया, इजी सीन है, पेनल्टी नहीं मारी, ठीक है, बट शिजनी को क्रेडिट देना चाहिए, यू नो यू शुड गिव क्रेडिट वेयर ड्यू। मेक्सिको वाले गेम में एक फ्री किक स्कोर हुई है, बॉयज आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू गो चेक दैट आउट, ऑल ऑफ यू गो चेक दैट आउट, आह क्या फ्री किक मारी है यार, व्हाट अ फ्री किक, एंड यू नो इनफैक्ट आई वांटेड मेक्सिको टू गो अहेड, क्योंकि मेक्सिको वुड हैव बीन अ बेटर थ्रेट टू फ्रांस एज कंपेयर टू पोलैंड, डज नॉट हैव दैट अटैकिंग कैपेबिलिटी, वो वीक हैं, पोलैंड वाले फ्रांस को कैसे रोकेंगे, मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम जाएगा ये गेम, और फ्रांस एक्स्ट्रा टाइम में स्कोर करेगी, क्योंकि वो सिक्स मैन एट द बैक लगा के 6-3-1 खेलेंगे या 6-2-2 खेलेंगे और पूरा ऑफ द बॉल डिफेंड करेंगे, क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ्स नहीं है, बट अगर मेक्सिको जाती ना तो आई फील लाइक दे वुड हैव बीन अ बेटर कॉम्पिटिटर्स एज कंपेयर टू पोलैंड। तो बट ग्रुप्स बहुत सारे डिसाइड हो चुके हैं, अब हमारे पास मैचेस आ रहे हैं, सेनेगाल वर्सेस इंग्लैंड, ओए होए 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 होए, यहाँ इंग्लैंड का टेस्ट है बॉय, यहाँ ब्रो इनका टेस्ट है, तो इंग्लैंड वर्सेस सेनेगाल, नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए, टफ गेम्स हैं ये भी, एंड यू हैव फ्रांस वर्सेस पोलैंड, एंड देन अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑजी ऑजी बॉय, तो लेट्स होप ऑजीज के साथ अर्जेंटीनियन करेंगे इंशाल्लाह सीन, एंड ऑब्वियसली मेसी एंड अर्जेंटीना आर गोइंग अहेड, वेरी हैप्पी, वीवा अर्जेंटीना, कम ऑन बॉयज, आगे जाना था, एंड दिस टाइम वी डू इट यार, लाइक कम ऑन यार, इट्स जस्ट गेट डन विद दिस यार, गिव द वर्ल्ड कप टू मेसी ऑलरेडी मैन, सो जस्ट यू नो गेट डन विद दिस, बट इट्स अ टफ फाइट, एंड दिस अर्जेंटीना टीम दे आर स्ट्रगलिंग मैन, दे हैव द फ्लॉज, दे हैव द वीक पॉइंट्स, एंड like huge and giant European teams like France, Spain, England, Germany, I want to see, because they will be there, right? So we can't run away from them, we got to play against them. But if like the way that we've played tonight, that's an edge, okay? That's a sign of comfort. Like, okay, then we can dominate or we can control the game or at least we can fight. But if we play like we played against first half that we played against Mexico or the game that we played against Saudi Arab, so that's a very crucial thing for Argentina. Argentina ki bun phat jayegi agar unhone waise khela, aur abhi unke paas Australia aur phir France hai,
यू नो दे हैव टाइम टू लर्न और बट दे आर गोइंग अहेड सो बी हैप्पी अबाउट इट और या दिस वॉज आई गेस द वर्ल्ड कप टूडे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू गिव मी योर सजेशंस फीडबैक कॉमेंट्स वट एवर आई नो होंगी चीजें इंप्रूवमेंट के लिए सो यू गाइज कैन कम अप विद योर सजेशंस एंड आई विल सी व्हाट आई कैन अकोमोडेट सो फॉर नाउ आई गेस अल्लाह हाफिज़ बाय बाय.